Let's do it for a second. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश मिहिर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अनअकैडमिक स्टूडियो। लेट्स क्रैक इट। बहुत अच्छा, चलिए। सो मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? इट्स एक बार बोल दो, ऑल क्लियर लिख दो एक बार, ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरी वॉइस एंड पीपीटी जो है सब कुछ क्लियर है। एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छा, अति सुंदर अति सुंदर। ठीक है, तो आज तो मैंने साउंड भी ठीक कर लिया है, आज उम्मीद करते हैं आज एक आप लोगों के लिए मेमोरेबल सेशन मैं कर पाऊं। ठीक है, और मजा भी आएगा आज का सेशन, ट्रस्ट में बने रहिए, एंजॉय करिए। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, यस, आप लोगों को नमस्कार सबसे पहले। एंड मतलब इतना ज्यादा ऑडियंस को देख के मैं खुश हूं कि आप लोग, बाकी में बहुत सारे ऑप्शन है, एंटरटेनमेंट का साधन है, फिर भी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सो इट शोज दैट कि यू आर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन। आपका यहाँ पर होना, हिस्ट्री का क्लास में ज्वाइन करना, इट शोज दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये जो सेशन है, हम लोग जो है पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, we will cover the entire portion of the ancient history, entire portion of the medieval, entire portion of the modern, then art and culture and about history. तो एक तरफ से ऐसा टॉपिक एक भी नहीं होगा जो हम लोग नहीं करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी टॉपिक आएगा, सभी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, करते जाएंगे। क्लियर है पा? एंड एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, कि About me, I'm pass out from Delhi School of Economics. 10 साल से आप लोगों को सेवा में पढ़ा रहा हूं मैं। And yes, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, unacademy_vyomkeshmehir में। This is my Telegram channel, और नीचे जो है description box में link भी है, जिसमें आपको मिल जाएगा सारा चीजें, information। ठीक है, चाहे वो एडमिशन करना हो, सब्सक्रिप्शन लेना हो, और मेंटरशिप के लिए ये कोड इस्तेमाल करिए, सब्सक्रिप्शन मेंटरशिप के लिए बीएम लाइव को 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में मेरा आपको मेंटरशिप भी आपको जो है मेरी तरफ से आपको मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? मेंटरशिप भी आपको जो है मेरी तरफ से मिलेगा। देन यस, तो बीएम लाइव कोड में सभी फैकल्टीज का सभी वीडियोस आप देख पाओ, और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ्स, एडमिशन, सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, ये फ्री मेगा सीरीज है जो आप फ्रीली अवेलेबल कर सकते हो, सेम कोड में बीएम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री टेस्ट सीरीज में उसका फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ जो है ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सबका, तो उसका भी बीएम लाइव कोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि अनअकैडमी की तरफ से एक ईमानदार प्रयास रहा है, सेम कोड रहेगा बीएम लाइफ, जिसमें आपको लोन फैसिलिटीज है, और लोन में सबसे अच्छी बात है कि 0% इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, जितना फीस है उतना ही आपको देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी देना नहीं है। ये एक अच्छी पहल है अनअकैडमी टीम की तरफ से, क्योंकि आप बाकी में इंटरेस्टेड हो, आपको पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको जो मिलेगा लाइक मेंटरशिप्स, प्रीलिम्स कैसे तैयारी करोगे, मेंस तैयारी कैसे करोगे, उसके साथ साथ जो है इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, मेंस का राइटिंग कैसे होगा, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये सब चीजें आपको जो है बताया जाएगा यहाँ पर मेंटरशिप में। और रेफरल कोड रहेगा ये, दिस इज माय मेंटरशिप,
नॉर्मली आई डील विद द टॉपिक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स 80% से ज्यादा सिलेबस कवर करता हूँ, तो समझता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से थोड़ा सा गाइड कर सकूं। क्लियर है? और बीएम लाइव कोड में जो है आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हर बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है हर बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? यस, आज का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, शानदार टॉपिक है। यस, टॉपिक है बाबर। वी आर सो एक्साइटेड, आई एम, ओह थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आज तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, पढ़ाने का मेरा भी मूड है, मतलब हमेशा रहता है, आज ज्यादा मूड है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले से साउंड क्लियर है, बेटर है पहले से? क्योंकि साउंड थोड़ा सा ठीक है, आज ज्यादा या सेम है? ठीक है, बहुत अच्छा, तब तो मजा आएगा फिर। ठीक है, जब साउंड क्लैरिटी अच्छी है तो फिर हम लोग का जोश भी डबल हो जाता है। और देखिए अब शुरू करते हैं, हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सो इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लासेस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान्स के बारे हमने बात किया। दिल्ली सल्तनत को 5 भाग में डिवाइड किया गया। कौन बताएगा 5 भाग में दिल्ली सल्तनत को कौन कौन सा भाग में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट में से दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, राइट? और लोधी डायनेस्टी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 1526 में, कौन सा ईयर में? 1526 में, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और बैटल ऑफ पानीपत में हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ थे इब्राहिम लोधी और दूसरे तरफ से जो थे बाबर, और बाबर को न्योता दिए थे दौलत खान लोधी, उनको सपोर्ट किए थे राणा संगा एंड मोहम्मद लोधी और दूसरे तरफ से थे केबल एंड केबल जो है, दूसरे तरफ से थे केवल एंड केवल इब्राहिम लोधी। एक तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ लोगों ने इतना अपोज करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा था कि लोधी डायनेस्टी में जितने भी रूलर थे, चाहे वो बहालोल लोधी हो, चाहे वो सिकंदर लोधी हो, उनको कहा जाता है वन अमंग द इक्वल्स, मतलब वो प्रजा के साथ मिलके रहते थे और प्रजा के साथ उनका संपर्क बहुत अच्छा था और बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ हुआ करते थे। बट जैसे ही इब्राहिम लोधी पावर में आया था, सब पावर जो है अपने अंडर ले आया था, सारे पावर जो है अपने अंडर ले आया था, जिसकी वजह से उसके ही प्रजा उसके विरोध में थे, उसके ही जो मेन मेन जो नोबल्स थे उनके खिलाफ हो गए थे। फिर उनको लगने लगा कि दौलत, मतलब इब्राहिम लोधी को तो हटाना ही हटाना है। तब जो है उन्होंने, इब्राहिम लोधी भी पावरफुल था, ऐसा नहीं कि इब्राहिम लोधी पावरफुल नहीं था, बट इब्राहिम लोधी को हरा सकता था बाबर। बाबर क्यों हरा सकता था? क्योंकि बाबर के पास यूरोपियन टेक्निक था जो कि इंडिया में अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसके पास गन पाउडर था, आर्टिलरी था। तो बाबर को जो है यहां पर जो है न्योता दिया था किसने? बाबर को इनवाइट किया था किसने? दौलत खान लोधी ने। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हुआ था, एक तरफ इब्राहिम लोधी, दूसरे तरफ बाबर, दौलत खान लोधी, राणा संगा एंड मोहम्मद लोधी। नतीजा क्या होना था? बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। देखो 1526 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी का डेथ हुआ, डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का डेथ होते ही लोधी वंश का पतन हो गया था, इब्राहिम लोधी का डेथ होते ही लोधी वंश का पतन हो गया था।
और लोधी वंश का पतन होते हुए थे दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया था। लोधी वंश का पतन होते होते दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया था। एंड यहां से 1526 से शुरुआत होता है मुगल एम्पायर। तो सबसे पहले बात, पहला बात यह है कि मुगल एम्पायर के जो फाउंडर है वो है बाबर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? वो है बाबर है। 1526 से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो आज जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे, जरूर बाबर के बारे में बात करेंगे, बट मुगल एम्पायर में सबसे शुरुआत जो फाउंडर है वो है बाबर है। तो मुगल एम्पायर को दो भाग में डिवाइड किया गया। बाबर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, बाबर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक है, मुगल एम्पायर को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707, 1526 से लेकर 1707। और मैं बता दूं अर्ली मुगल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जितना भी रूलर सुना हुआ है दे ऑल आर पार्ट ऑफ द अर्ली मुगल्स, जिसमें बाबर आएंगे, बाबर के बाद उनका बेटा जो है हुमायूं, हुमायूं के बाद उनका बेटा जो है अकबर, अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उनका बेटा जो है शाहजहां, और शाहजहां के बाद उसका बेटा जो है मतलब औरंगजेब। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक 1707 मतलब 1526 से लेकर 1707 तक उसको अर्ली मुगल्स कहा जाता है। दीन्स वर द मेन रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद लेटर मुगल्स 1707 से लेकर 1857 और 1857 से उसके बाद मध्यकालीन भारत का समाप्त हो जाएगी और एक नया युग का आरंभ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इतिहास में कि आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। 1857 में आप लोगों को पता होगा बहादुर शाह जाफर, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, बहादुर शाह जाफर, और जिसको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, 1857 की क्रांति, जिसमें मंगल पांडे, जिसमें नाना साहेब, जिसमें खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, जिसमें वीर सुरेंद्र साय, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, ये सब ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें लीडर ऑफ द लीडर को जो रखा गया था, लीडर ऑफ द लीडर जो है बहादुर शाह जाफर को रखा गया। तो औरंगजेब के बाद 1707 से 1857 तक जिस पीरियड को कहा जाया गया है लेटर मुगल्स का दौर कहा गया है, लेटर मुगल्स पीरियड उसको कहा गया है। चलिए तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्ली मुगल से, हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। अर्ली मुगल्स में देखिए, अर्ली मुगल्स में देखो देखो एक चीज मैं यहां पर बता दूं, अर्ली मुगल्स का शेर शाह जो है मुगल के नहीं थे, बट मैंने शेर शाह को इसलिए मेंशन किया है यहां पर क्योंकि हुमायूं और अकबर के बीच में जो शेर शाह का जो टाइम पीरियड है 1540 से 45 तक शेर शाह ने रूल किया था, उसके बाद उसका बेटा भी सिकंदर शाह ने रूल किया था, तो इसीलिए मैंने शेर शाह को मेंशन किया है। बट शेर शाह को अगर छोड़ दे, शेर शाह सूरी को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब जो है 1526 से लेकर 1707 के बीच में आए थे। सबसे पहले बाबर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। नो डाउट वो कम टाइम तक रूल किए थे, बट ही वॉज द नीम रखे थे, मुगल वंश का उन्होंने नीम रखे थे। उनका बेटा देखो, एक एक ही बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का टाइम पीरियड देखो 1530 से लेकर 40, उसके बाद फिर आए थे 1555 से लेकर 1556 तक, दो बार उसी दौरान देखो 1540 से 45 के बीच में उसी दौरान शेर शाह सूरी आया था। मैं बताऊंगा क्या हुआ था हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में, किस प्रकार का टक्कर हुआ था, मैं इस चीज को जिक्र करूंगा, बताऊंगा यहाँ पे बैटल ऑफ कौन कौन सा बैटल है दोनों के बीच में लड़ाया गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसको पता है कमेंट में करके बताइए। यस, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बेलग्राम जिसको कहा जाता है। देन उसके बाद जो है हुमायूं का बेटा जो है अकबर, देखो अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर को इसलिए ग्रेटेस्ट कहा जाता है कि वो हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी, दोनों के लिए उन्होंने काम किया था और दोनों ही उनको पसंद करते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही उनको पसंद करते हैं, वो है अकबर। और वैसे तो देखा जाए तो अकबर जो है अंगूठा छाप वाले थे, अंगूठा छाप का मतलब है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था,
बट अगर मैं मुगल दौर की बात करूं, मेडिवल हिस्ट्री के रूलर की बात करूं, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एवर प्रोड्यूस्ड, अकबर द ग्रेट। 1556 से लेकर 1605 तक उन्होंने रूल किया था। ऑलमोस्ट ही रूल्ड फॉर 49 ईयर्स। उसके बाद अकबर के बाद उनका बेटा जो है जहांगीर, जहांगीर वाज अ ग्रेट पेंटर। जहांगीर के बारे में खासियत यह है कि लोगों का शक्ल देख के बता सकते थे कि किसका पेंटिंग कौन सा है। अगर पूछा जाए कि गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के मामले में गोल्डन स्वर्ण काल कौन सा है, तो दैट वाज द पीरियड ऑफ जहांगीर। वो खुद भी बहुत अच्छे पेंटर थे, साथ ही साथ अपने दरबार में पेंटर को उन्होंने रखा था, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर को अपने दरबार में उन्होंने रखा था। और उनके टाइम पे एक बड़ा सा बेल हुआ करता था, उस बेल को आके बजाने का मतलब है उसको जस्टिस चाहिए था। आज के डेट में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का खासियत क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस जो होते हैं उनके आंखों में पट्टी होती है। आपने देखा होगा उनके आंखों में पट्टी होती है। उसका मतलब क्या है कि देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियन एंड बर्थ प्लेस। जो हम लोग का संविधान 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग एवं जन्म स्थान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यहां पर जो है जस्टिस के मामले में बात कर रहा है। तो जहांगीर उस चीज के लिए फेमस था कि एक अच्छा शासक शायद नहीं था, क्योंकि एक तरफ से रंगीला टाइप था, मतलब मैं बताऊंगा उनके टाइम पे, बट हाँ न्याय के मामले में सो फार एज जस्टिस इज कंसर्न ही वॉज वन ऑफ द फेमस। और एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी क्लास करते वक्त कभी कभी सम टाइम क्या हो सकता है कि 10-15 सेकंड के लिए बफर हो जाती है, रुक जाती है, कभी कभी सम टाइम, हमेशा नहीं। तो पेशेंस बनाए रखिए, 10-15 सेकंड अगर बफर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको रिपीट करते, जब मुझे देखता हूं ना बफर होता है तो मैं रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए, जुड़े रहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। 241 बच्चे हैं आज, मतलब तो पढ़ाने में मजा आ गया, फिर मजा आ जाएगा पढ़ाने में, ऐसे बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज तो मुझे लगता है कि 300 बच्चे हो जाएंगे, 300 स्टूडेंट, ठीक है, धीरे धीरे 400, धीरे धीरे 500, ठीक है, और धीरे धीरे 1,000। तो मेरा टारगेट है 1,000 का टारगेट है धीरे धीरे, बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो टारगेट है 300, आज के लिए जो टारगेट है 300 बच्चे आएंगे, तब मैं मतलब चलिए मतलब ठीक है, आने का पॉसिबिलिटीज है, एनीवे ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है सबसे चॉकलेटी बॉय, सबसे रोमांटिक, सबसे ज्यादा रोमांटिक और चॉकलेटी हमारे जो है शाहजहां, शाहजहां से आपने पता होगा उनके रोमांटिक का किस्से आपने भी सुना होगा, उनके खुद सात बीवी थे, और आप लोगों को पता होगा मुमताज महल, ठीक है, अपने बीवी मुमताज महल के लिए उन्होंने क्या बनाया है, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आज के डेट में कैलकुलेशन किया जाता है, दैट इज ब्यूटिफुल ताजमहल, ताजमहल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज, ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार कह सकते हो वो है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में ये चीजें फेमस है कि आज के डेट में भी हिंदू उनको पसंद नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका कई सारे रीजन है, उन्होंने हिंदुओं के मंदिर को तोड़वाया था, उन्होंने जो है हिंदुओं के जितने भी फेस्टिवल थे, दिवाली, होली, दशहरा, ये सब को उन्होंने बैन किया था। तो ये सब रीजन की वजह से औरंगजेब को आज के डेट में भी लोग जो है कभी कभी औरंगजेब को गलत तरीके से देखते हैं। तो चलिए ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ये सब मुद्दा के बारे में बात करेंगे कि बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, जहांगीर, तो ये सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड, तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दें अगर पसंद आ रहा है तो, और मैं समझ रहा हूं, मैं पूरी कोशिश जान डाल रहा हूं कि आपको सेशन जो है बहुत ही पसंद आए और बहुत ही मजेदार हो। देखो इतिहास एक ऐसा चीज है ना बेटा, एक बार आपका मन लग गया ना इतिहास में तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो एक बार खाली मन लगना चाहिए इतिहास में, एक बार मन लगना चाहिए, और मेरी पूरी पूरी ताबड़तोड़ कोशिश है कि इतिहास को फिर से हम लोग जिंदा करें।
इतिहास को फिर, और इतिहास का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक बार पढ़ना पड़ता है उसको। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि हिस्ट्री जो है आपके साथ हमेशा वफा वफा होके रहेगा, बेवफा नहीं है हिस्ट्री। फॉर एस करंट अफेयर्स जो है बेवफा है। करंट अफेयर्स एक बार पढ़ोगे, करंट अफेयर्स एक बार पढ़ोगे तो अगले साल वो आपका साथ नहीं देता। अगर मान लीजिए 2022 में जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे वो 23 में काम नहीं करेगा, 24 में काम नहीं करेगा, 25 में काम नहीं करेगा। बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप तैयारी 22 में करिए, 23 में करिए, 24 में करिए, 25 में करिए। बैटल ऑफ पानीपत अगर 1526 में हुआ था तो 1526 में ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर 1920 से 22 में हुआ तो 2022 में होगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में, तो 42 में ही होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और एक बार स्टोरी के हिसाब से याद करने के बाद हिस्ट्री को भूलना मुश्किल होती है। और मैं ट्रस्ट मी, जो लोग नए हो इस क्लास में उनको मैं एक चीज बता दूं, दोज आर न्यू इन द क्लास उनको बता दूं, ठीक है, कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हिस्ट्री को नहीं पसंद करते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप अपना वॉच देखते रहिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आधा घंटा आप हिस्ट्री का वीडियोस देखिए, हिस्ट्री से अगर प्यार नहीं हो जाए तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। आधा घंटा आप देखिए हिस्ट्री, अभी देखिए, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, गिव योर हाफ एन आवर टू द हिस्ट्री, टू दिस वीडियो, और हिस्ट्री से आपका प्यार नहीं होगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बस इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं। चलिए तो अब जो है टॉपिक है, देखो हाँ ठीक है, देखो व्हाट एवर द टॉपिक, एक चीज ध्यान रखना, व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीजें, बार बार बोलता हूँ, उसका रीजन क्या है कि मुझे क्लास में इसी वक्त ही आपको याद रखवाना है। मैं कल पे बिलीव नहीं करता यार, टुमारो नेवर कम्स, कल क्या होगा किसने देखा, कल क्या होगा, मैं आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। तो मेंस और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन के लिए अभी मेरा वीडियोस देख रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको इतना करवाऊंगा क्लास में कि क्लास में ही इंस्टेंटली आपको याद हो जाए, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज माय गारंटी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो लेट, देखो हाँ, उसके बाद जो है लेटर मुगल्स, ठीक है, ये है अर्ली मुगल्स हो गए, उसके बाद जो है हमें पढ़ना है आने वाले टाइम पे लेटर मुगल्स में। हालांकि देखिए अर्ली मुगल्स इज मोर इंपोर्टेंट, लेटर मुगल्स इतने इंपोर्टेंट नहीं है। लेटर मुगल्स में क्या है, देखिए लेटर मुगल्स में बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद जो है जहंदर शाह, देन उसके बाद जो है फरुखशिया, उसके बाद जो है रफी उद जरारत, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद ये मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताऊंगा कितने खतरनाक इंसान है मोहम्मद शाह रंगीला का, कौन बता सकता है मोहम्मद शाह रंगीला का कितने बीबी थे, बता के देखिए मैसेज में बताइए, शायद कुछ लोगों को पता होगा मोहम्मद शाह रंगीला का कितने बीबी थे, बताइए। तो यही तो हिस्ट्री को खासियत बनाता है, एक बार बताऊंगा तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए एनीवे, देन अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकंड, शाह आलम, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह सेकंड, क्लियर है पॉइंट। अब देखो अगला अगला जो टॉपिक है, तो मुगल, मुगल एम्पायर का देखो सबसे ओरिजिन जो है, ठीक है। चलिए अब देखिए मुगल जो थे वो तुर्क्स थे, और दिल्ली सल्तनत के भी जितने रूलर थे, जैसे कि जितने रूलर में से दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, उसमें से 4 वंश जो है वो भी तुर्क थे। कौन कौन सा वंश तुर्क से थे, सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, सॉरी तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी, ये जो 4 डायनेस्टी थे वो कहां से थे, वो तुर्क से थे। ध्यान रखना केवल लोधी डायनेस्टी जो है वो अफगानिस्तान से थे, बाकी जो 4 डायनेस्टी है स्लेव, खिलजी, तुगलक एंड सैयद, दे आर फ्रॉम तुर्क्स। और मुगल्स भी जो थे कहां से थे, तुर्क से थे, और दे बिलोंग टू चटकाई ब्रांच ऑफ द तुर्किश रेस, तुर्किस रेस का एक चटकाई ब्रांच था उससे बिलोंग करते थे। और मुगल को देखो नोन एज द तैमुरिड एम्पायर भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना, उसको तैमुरिड एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि अमीर तैमूर के साथ उनका रिलेशनशिप था इसलिए उनको तैमुरिड एम्पायर भी कहा जाता है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखिए मुगल, मुगल जो अर्ली मुगल, देखो दे रूल फॉर ऑलमोस्ट 331 ईयर, मतलब 330 साल से भी ज्यादा, 331 तक रूल किए थे।
हालांकि अगर मैं बात करूं तो अर्ली मुगल्स हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सबसे मेन थे और सबसे पावरफुल थे। और लेटर मुगल्स जो है इतने पावरफुल नहीं थे। देखो जो पावरफुल रूलर्स जो थे उसमें से जो सिक्स रूलर हैं, छह रूलर हैं जिनको हम लोग अर्ली मुगल्स कहते हैं, जिसको 1526 से लेकर 1707 के बीच में, जिसमें से बाबर है, जिसमें से हुमायूं है, जिसमें से अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब। मतलब देखो ये एक ही खानदान के थे। उसका मतलब है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। मैंने जो उसको याद किया, मैं तरीका बता देता हूँ कैसे, हाउ इजीली विल रिमेम्बर द रूलर। और उसी बीच में देखो, उसी बीच में कौन है, एक है शेरशाह था। देखो पहले जो मैंने दिखाया था उसी बीच में एक है शेरशाह। अपने सालसा डांस देखा हुआ है, सालसा सालसा सुना हुआ है, सालसा डांस, ठीक है। तो यहां आपको याद करना है साजता, एस ए जे एस ए। अगर आपने सालसा डांस याद रखा हो ना, सालसा ऐसे एल ऐसे सालसा, हालांकि सालसा का स्पेलिंग ऐसे एल ऐसे है, बट मैंने जो सालसा डांस से रिलेट किया है उसको साजता कर दिया, एस ए जे एस ए। देखो इतना तो याद रहेगा सबको कि बाबर जो है फाउंडर थे, बाबर जो है मुगल अंपायर के फर्स्ट रूलर थे। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, इतना याद कर लेना, बाबर एंड बाबर का बेटा हुमायूं। उसके बाद देखो साजता याद करना, एस ए जे एस ए, साजता। देखो एस पर शेरशाह, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। कंफ्यूज नहीं हुआ, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। एस फॉर शेरशाह, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और अगेन ए फॉर औरंगजेब। मतलब बाबर को याद रख लेना, उनका बेटा फिर साजता। इन दिस वे यू कैन इजिली रिमेम्बर, ठीक है। एक बार लिख लो साजता, एक बार लिख लो ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें। चलिए बहुत अच्छा, तो 286 है, तो आज मैं समझ रहा हूँ कि फिर 300 तो हो ही जाएगा, है ना, ट्रिपल सेंचुरी मारी है, सहवाग बन जाते हैं। चलिए हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ये जो है पांच छह रूलर जो मेन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और बीच में जो है मैंने उनको हटा दिया। मैंने उनको हटा दिया का मतलब है जो हमारे शेरशाह सूरी है वो मुगल नहीं थे, बीच में आए थे। मैं अभी डिस्कस करूंगा आने वाला टाइम पे। देखिए सबसे पहला चीज है, मैं बात कर रहा हूं बाबर के बारे में। सबसे पहला चीज है जो हम लोग बात कर रहे हैं बाबर के बारे में, 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक देखो। और बाबर वॉज द फाउंडर, सबसे पहले बाबर का हम लोग बैटल बात कर, बैटल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बाबर के टाइम पे फेमस जो है चार बैटल हुआ था, बाबर के टाइम पे फेमस जो है चार बैटल हुआ था, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघर। उसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, सिंपल ट्रिक्स है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे बैटल को याद रखोगे। बट उससे पहले पहले सुन लो एक चीज, ठीक है। देखो पहला तो उसका डेट कैसे याद रहेगा, देखो डेट तो बहुत आंख मूंद कर ही याद रहेगा, 26 के बाद 27, उसके बाद 28, उसके बाद 29। दिमाग में याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीरियली 15 26 27 28 और 29, सिंपल है, सिंपल इज दैट। उसके बाद देखो, उसके बाद फर्स्ट बैटल क्या था, बैटल ऑफ पानीपत था, बैटल ऑफ पानीपत था। पानीपत कहां पे है, हरियाणा में। दूसरा बैटल क्या है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। तीसरा बैटल क्या है, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। खानवा कहां पे है, राजस्थान पे है, चंदेरी कहां पे है, मध्य प्रदेश पे है। और उसके बाद जो है 1529 में बैटल ऑफ घाघर जो कि बिहार में है। उसके बाद फिर 1530 में बाबर का डेथ हो गया, 1530 में बाबर का डेथ हो गया था, बाबर जो है डेथ हो गया था, बाबर जी का डेथ हो गया था एक तरफ से। तो यहां पर देखो सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में देखो ये सबके ओपोनेंट जो है बाबर है, एक तरफ जो है, और बैटल ऑफ पानीपत में उनके खिलाफ कौन था, कौन बताएगा, उसके खिलाफ जो था इब्राहिम लोधी, उसके खिलाफ जो था वो है मेन रूलर जो है इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोधी को आता मेन रूलर, बताऊंगा मैं सबके बारे में डिटेल में। उसके बाद जो है बैटल ऑफ खानवा, खानवा जो है राजस्थान में, उसके खिलाफ जो है राणा संगा, मेन रूलर कौन था, वो है राणा संगा, वो है राणा संगा। बैटल ऑफ चंदेरी जो मेन रूलर कौन बताएगा, उसके खिलाफ जो है, उसके खिलाफ मेदिनी रॉय, दैट इज मेदिनी रॉय, मेदिनी रॉय। और बैटल ऑफ घागर जो है मोहम्मद लोधी, किसके खिलाफ हुआ था, मोहम्मद लोधी के खिलाफ हुआ था, मोहम्मद लोधी, मैं यहां पर लिख देता हूं मोहम्मद लोधी, मोहम्मद लोधी, ठीक है, मोहम्मद लोधी, ठीक है। अब देखो ये कैसे याद करोगे, पहले मैं बता देता हूं, देन उसके बाद टॉपिक पे आता हूं, ठीक है, पहले उसको कैसे याद करोगे बता देता हूं, देन उसके बाद टॉपिक पे आता हूं। देखो सिंपल सी बात, देखो डेट तो याद करने की जरूरत नहीं है, 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, हो गया डेट तो याद, ऐसे ही हो गया। उसके बाद देखो पानी, पानी याद कर लेना, जो पानी पीते हो ना, पानी याद कर लेना पानीपत से। खाना, खाना, खाना जो खाते हैं, खाना याद कर लेना, ठीक है। चंदेरी मतलब चलना, पैदल चलना से चंदेरी याद कर लेना, या फिर चांद को याद कर लेना, चांद को याद कर लेना। देन उसके बाद घर, घर, घर याद कर लेना, ठीक है, सिंपल। देखो सिंपल तरीका है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर। देखो 26, 26 में पानी पिया, पानी पिया, 27 में खाना खाया, खाना खाया, खाना 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 खाया, 28 में मतलब चंदेरी चलना से भी, चल भी कर सकते हो या चांद से भी कर सकते हो, या फिर खाना खाने मतलब खाना खाने के बाद चांद को देखा था, और इसके बाद चांद देखते देखते वो घर चला गया, घर चला गया, ठीक है, या फिर चलते चलते वो घर चला गया, जैसे भी याद कर सकते हो। मतलब 25, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, और 29 में घर गया, और 30 में मर गया, और 30 में डेथ हो गया, मर गया। सिंपल वे टू रिमेम्बर, पानी पिया, देन खाना खाया, देन चल दिया, कहां गया, घर गया, और 30 में मर गया। 26, 27, 28, 29, 30, क्लियर है पॉइंट, याद रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है चीजों को हम लोग याद कर सकते हैं, हालांकि आपका अपना तरीका है, आप अपने तरीके से भी याद करो तो बहुत अच्छा, फैंटास्टिक है, बट इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। चलिए आप, या फिर ऐसे कर सकते हो कि सिंपल सी बात है, पानी पिया, खाना खाया, और चांद देखते देखते घर गया, चांद देखते देखते घर गया, और बीच में बाद में मर गया, बाद में मर गया, जैसे भी याद करना चाहो। चलिए अब जो है हम लोग बात करेंगे और चीज, और ये बैटल को और भी डिटेल में बात करेंगे, बट देखो उसमें से दो बैटल जो है सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या बात है, आज जो है 321, क्या बात है, आज तो हमने मतलब ट्रिपल सेंचुरी हो ही गया, मतलब ठीक है, सहवाग बन गया आज फिर, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब जो है 300 से हम लोग टारगेट करते हैं 500, ठीक है। अब मैं खुश सेलिब्रेट उस दिन करूंगा जिस दिन 500 बच्चे आएंगे लाइफ, ठीक है, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ चीजें जो है सही चल। अगर मैं हम लोग 5-10 दिन लगातार कंटिन्यूसली क्लास करेंगे तो 500 बच्चे भी आई होप जो है आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था, देखो यहां मैं दो बैटल, मैंने 1526 वाला और 1527 वाला, 1526 वाला तो मैं बता चुका हूँ, 1526 वाला क्यों मेन है, क्योंकि 1526 में जो चीजें हैं, ठीक है, एक तरफ तो मैंने बता दिया था इब्राहिम लोधी के बारे में, और दूसरे तरफ इब्राहिम लोधी के खिलाफ इसलिए लोग हो गए थे कि वो सारा पावर अपने अंडर ले आया था, और उसी के लोग ही बाबर को बुलाए थे, दौलत खान लोधी ने ही बाबर को बुलाया था। तो 1526 तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत की प्रथम लड़ाई है, क्लियर है पॉइंट। कोई इमोशनल रात में हो गया है, रात के 10 बजे बड़ा मुश्किल है। ऊपर चल रहा है क्या, बोल क्या, क्लास लेने हैं बंद करो, ठीक है, उसको बोलो बाद में इमोशनल हुआ, अभी टाइम नहीं है इमोशनल, ना गजरे की हार ना मोतियों की धार। पंकज उदास है, चल रहा है। किसी का इमोशन को कैसे रोक सकते हो यार,
ना। चलिए ऑलराइट। हाँ तो मैं बात कर रहा था पानीपत की, बात कर रहा था 1526 में। 1526 में बेटल ऑफ पानीपत, दैट इज इन हरियाणा, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा था। तो इब्राहिम लोदी जैसे ही सारे पावर में आए थे, इब्राहिम लोदी जैसे ही पावर में आए थे, सब सब पावर अपने अंडर ले लिया था। तो उसी उसी के खिलाफ दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया थे और कंफ्लिक्ट हुआ था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, इस बैटल की वजह से लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी का डेथ हुआ था, लोदी वंश का पतन हुआ था, साथ ही साथ जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था और मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ था 1526, इसलिए रेलिवेंट है। उसके बाद बैटल देखो 1526 क्या है, बैटल ऑफ खानवा है। बैटल ऑफ खानवा क्या है कि फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत, मुगल और राजपूत का ये फर्स्ट लड़ाई है, फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत, ठीक है। तो बैटल ऑफ खानवा, एक बार यूपीएससी में ही सवाल आया था कि फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत बताइए, वो है बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। तो ये बैटल को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें मैं बता दूं, देन आई विल कम टू द टॉपिक, ठीक है। बैटल को डिस्कस करेंगे बट उससे पहले और चीजें बता दूं, बट उससे पहले एक टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो बाबर जो है मुगल एम्पायर के फाउंडर है, उसके साथ बाबर का जो वंशज है, एक था चेंगिस खान और एक था तैमूर लेन, एक था चेंगिस खान और एक था तैमूर लेन, ठीक है। आप देख सकते हो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड वाज डिसेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन द फादर साइड, मतलब जो तैमूर लेन जो थे वो फादर साइड की तरफ से थे, एंड डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर ऑन द फादर साइड एंड द 14 डिसेंडेंट ऑफ चेंगिस खान, चेंगिस खान फ्रॉम द मदर साइड, मदर साइड मतलब तैमूर लैंड और चेंगिस खान जो है दुनिया के खतरनाक लुटेरे कह सकते हो, और दुनिया के खतरनाक मतलब एक तरफ से खतरनाक इंसान में से आते हैं, हालांकि उसको हम लोग वेलन करेक्टर के हिसाब से लेंगे, पॉजिटिवली खतरनाक मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिवली खतरनाक, ठीक है। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग में से तैमूर लैंड चेंगिस खान, जैसे कि हिटलर था उस तरह का, ठीक है। एंड बाबर का जो जन्म हुआ था वो है एंडीजन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, बाबर का जन्म जो हुआ था वो अंडीजान में, और अंडीजान कहाँ पे है, फरगना वैली में है, तुर्की में, तुर्की के फरगना वैली में है। आज के डेट में उसको उज्बेकिस्तान, मॉडल जो है आज के डेट में वो है उज्बेकिस्तान में है, जो कि सेंट्रल एशिया में है। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है, मध्य एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखिए ऑन द 14th फेब, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए 14th फेब आने भी वाला है, 14th फेब वैसे 1483 में जो है सन ऑफ उमर शेख मिर्जा एंड निगार खानम, उनका जो फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा और मदर का जो नाम है निगार खानम, और उनका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी में, इन द ईयर 1483 में जन्म हुआ था। देखो 14th फेब जो है मुगल शासक में इंपोर्टेंट इसलिए रहा है क्योंकि 14th फेब में पहला चीज है बाबर का जन्म हुआ था, और 14th फेब में ही अकबर जो है कोरोनेशन हुए थे, मतलब वो शासक बने थे 14th फेब में, इसलिए 14th फेब आप लोगों के लाइफ में भी 14th फेब अलग अलग वजह की वजह से इंपोर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ चीजों को। अब आने वाला है अगले हफ्ते मतलब अगला महीना में आने वाला है चॉकलेट डे, टेडी डे, रोज डे, 14th फेब भी, मैं समझ रहा हूँ चीजों को, तो आपके लिए तो रेलिवेंसी है ही, बट मुगल एम्पायर के लिए रेलिवेंसी इसलिए है कि वो बाबर का जन्म हुआ था और अकबर जो है शासक बने थे 14 फेब को ही शासक बने, क्लियर है पॉइंट। तो यूपीएससी वालों को ऐसी चीजें भी याद रखना पड़ता है 14 फेब में, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्जा, उनके फादर का नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। हालांकि वो थे गवर्नर ऑफ फरगना, फरगना के वो गवर्नर थे, एंड ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ तैमूर, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तैमूर, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब इनिशियली इनिशियली बाबर जो है कैप्चर किए थे जो एरिया है, फरगना है, समरकंद है, काबुल है, ठीक है, और काबुल को उन्होंने 1504 में उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। और एंड देन ही अटैक 5 टाइम्स, ऐसा नहीं है कि भारत को पहली बार जो है 1526 में आए थे,
उससे पहले भी 5 बार भारत को वो लूट चुके थे। मैं पहले से बता दूं कि भारत जो है सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया मतलब समझते हो, मतलब भारत में इतने सारे संपत्ति थे, इतने सारे खजाना थे कि बहुत सारे तुर्क के, बहुत सारे अफगान के रूलर हमेशा चाहते थे कि भारत को लूट के लिया जाए। आप लोग सुने होंगे पहले क्लास में, दिल्ली सल्तनत में ही मैंने पढ़ाया था, मोहम्मद घोरी से पहले मोहम्मद गजनी आया था जो भारत को 17 बार लूटा था। मोहम्मद गजनी ने भारत को कितने बार, 17 टाइम्स उन्होंने लूटा था। तो बाबर ने भी 5 बार भारत को लूटे थे। और बाबर जो है फर्स्ट अटैक भारत में जो किए थे, भेरा नाम का एक जगह है पंजाब में, वो इन द ईयर 1519 में। ये सब देखो बाबर का जो अर्ली एज जो है, बाबर का जो है सेंट्रल एशिया में गुजरा, लाइक फरगना वैली, फरगना, समरकंद, काबुल, ठीक है, और उसका बचपन जो है काबुल में भी बीता है, ठीक है। एंड ही कैप्चर काबुल इन 1504, 1504 में उन्होंने काबुल को कैप्चर किए थे, ठीक है। एंड देन ही अटैक 5 टाइम्स टू इंडिया, भारत को 5 बार उन्होंने लूट मार की थी। किस चक्कर में? दौलत के चक्कर में। और पहला अटैक, फर्स्ट अटैक उन्होंने किया था 1519 में, फर्स्ट अटैक किया था कहां पे, जगह का, पंजाब की जगह का नाम है भेरा, पंजाब की जगह का नाम है भेरा, फर्स्ट अटैक उन्होंने किया था। तो उन्होंने जो अर्ली टाइम पे रूल किए थे फरगना, समरकंद, काबुल, काबुल को 504 में उन्होंने लूटा था। उसके बाद 5 बार भारत के ऊपर आक्रमण कर चुके थे और पहला जगह जो वहां पर आक्रमण किए थे वो है वेरा पंजाब 1519 में। अब मैंने बताया था बाबर के बैटल 26, 27, 28 एंड 29, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ खाग। और उनके अपोज में जो थे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, बैटल ऑफ पानीपत में जो थे वो है इब्राहिम लोदी, खानवा में जो थे वो है राणा संगा, चंदेरी में जो थे वो है मेदिनी रॉय, और घागर में जो थे वो है मोहम्मद लोधी। वो है कौन? घागर में मोहम्मद लोधी, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था, ठीक है, 1524 में, 1524 में दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू इंडिया, किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोधी के लिए। और इब्राहिम लोधी क्या है? लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत। लोधी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी थे। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, न्यू स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत को 5 भाग में डिवाइड किया गया। ऑफकोर्स 5 भाग में से कौन कौन सा है? सलेम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी। और लोधी वंश में भी बहालोल लोधी वाज द फाउंडर, उसके बाद जो है सिकंदर लोधी, उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश में क्या होता था कि सब लोग जो है बराबर होते थे, मतलब जो राजा भी होता था प्रजा के साथ बहुत अच्छा संपर्क बना के रखता था, पर जैसे ही इब्राहिम लोधी पावर में आया था सारे पावर अपने अंडर ले आया था, जिसकी वजह से उसके प्रजा ही उसके खिलाफ हो गए थे। और उसी दौरान दौलत खान लोधी ने बाबर को न्योता दिया था और बैटल ऑफ पानीपत 1500 उसकी वजह से 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किसने न्योता दिया था? दौलत खान लोधी ने 1526 में। फिर जो इंसिडेंट हुआ 21 अप्रैल 1526, जिसको कहते हैं हम लोग बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हालांकि देखो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ है, बट ये जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ऑफकोर्स जो है, मतलब मैंने बताया था कि लोधी, इब्राहिम लोधी का डेथ हो गया था। इब्राहिम लोधी का डेथ होने के बाद लोधी वंश का पतन हो गया था, और लोधी वंश का पतन होते ही दिल्ली सल्तनत, जो सुल्तान्स जो थे, दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। उसके बाद एक नया वंश, मुगलिया वंश जो है शुरुआत किया था, जिसके फाउंडर है बाबर। इसलिए जो है 1526 ज्यादा रिलेवेंट होती है। उसके बाद देखो 1527 में, 16th मार्च 1527 में क्या हुआ था? राणा संगा के खिलाफ। अभी आप बोल सकते हो सर कि एक तरफ बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत में देखो, बैटल ऑफ पानीपत मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, मैं इस क्लास में भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को। बैटल ऑफ पानीपत, और पानीपत कहां पे है?
पानीपत जो है हरियाणा, हरियाणा पानीपत जो है हरियाणा में, कब हुआ था, कौन सा ईयर में हुआ था ये? ये हुआ था सर 1526 में, 1526 में हुआ। और बैटल ऑफ पानीपत में जो अलग अलग पार्टीज थे, एक तरफ तो था इब्राहिम लोदी, एक साइड में, और दूसरे साइड में फर्स्ट है बाबर, बाबर को सपोर्ट किए थे दौलत खान लोदी, राणा संगा, प्लस मोहम्मद लोदी, मोहम्मद। तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या हुआ था कि एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ बाबर, दौलत खान लोदी, राणा संगा एंड मोहम्मद। और उसमें क्या हुआ था, दौलत खान लोदी का, सॉरी इब्राहिम लोदी का डेथ हो गया था, और इब्राहिम लोदी का डेथ होते ही लोदी वंश का पतन, अभी मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत का पतन, और बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर बन गया था। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्लियर है? ये था बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। देन तो ये था, उसके बाद देखिए राणा संगा, अभी 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 मैं इसलिए मैंने ये चीजें लिखा कि राणा संगा और मोहम्मद लोदी जो है बाबर को सपोर्ट किए थे, कौन सा बैटल में सपोर्ट किए थे, बाबर को सपोर्ट किए थे बैटल ऑफ पानीपत में, बट उसी के खिलाफ फिर बाबर जो है राणा संगा के खिलाफ भी और मोहम्मद लोदी के खिलाफ भी लड़ पड़ा था। और ये जो 1527 वाला जो है बैटल ऑफ, दिस इज बैटल ऑफ खानवा, खानवा की लड़ाई, और ये खानवा कहां पे, खानवा है राजस्थान, खानवा है राजस्थान, खानवा इज इन, और जो हमारे राणा संगा जो है राजपूत थे, राजपूत राणा संगा, राणा संगा ऑफ मेवा, ठीक है, राणा संगा जो है राजपूत थे, और दिस वॉज द फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत, ध्यान रखना ये सवाल यूपीएससी में आया था 1527 में जो आया था बैटल ऑफ खानवा, दिस वॉज द फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत, मुगल और राजपूत के बीच में ये प्रथम लड़ाई, क्लियर है? तो द राजपूत इन 1528 अंडर द, उसके बाद देखो 1528 में और एक जो लड़ाई हुई जो मैंने बताया था आप लोगों को, उसका नाम क्या है, इट इज बैटल ऑफ चंदेरी, और उस टाइम पे चंदेरी जो है किसके द्वारा था, मेदिनी रॉय, मेदिनी रॉय जो है मलवा, मेदिनी रॉय किंग ऑफ मलवा थे, ठीक है, और बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था, और उसका भी नतीजा बाबर ने मेदिनी रॉय को भी हरा दिया था। फिर जो है 1529 में जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ घाघरा, और बैटल ऑफ घाघर भी कहा जाता है, बैटल ऑफ घाघरा, ये किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच में, मोहम्मद लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ घाघरा, क्लियर है पॉइंट? उसके बाद देखिए 1530 दिसंबर 26 में बाबर का डेथ हो गया, उसके बाद जो है बाबर का 1530 में डेथ हो गया था, मैंने बताया था 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, और 29 में जो है घर गया, और 30 में मर गया, सिंपल सी बात है, पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड देन अगेन उसके घाघरा, और उसके बाद डेथ हो गया। और देखो बाबर का जब डेथ हो गया था उसको जो है आगरा में दफनाया गया, बाबर को आगरा में दफनाया गया था, बट उन्होंने एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है दुजुके बाबरी, जिसको बाबर नामा भी कहा जाता है, वहां पर उन्होंने एक चीज जिक्र किए थे कि उनका अगर डेथ हो जाता है तो उनका बचपन जो है अफगानिस्तान में बीता है, तो उनको अफगानिस्तान में दफनाया जाए। तो ये पढ़ने के बाद पहले उनको दफनाया गया था आगरा में, उसके बाद जो है उनको काबुल में दफनाया गया, अफगानिस्तान के काबुल में उनको दफनाया गया। तो अगर पूछे जाते हैं कि कौन सा रूलर है जिनको दो बार दफनाया गया था, वो है बाबर। कौन सा रूलर है जिनको दो बार दफनाया गया था अगर पूछा जाए, वो है बाबर, एक बार आगरा में, एक बार काबुल में, क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद जो है अब देखो, अब बात आती है कि बाबर जो है ये चार लड़ाई बैक टू बैक जीतने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। बहुत सारे रीजन थे, उसमें से सबसे मुख्य रीजन, मेन रीजन जो था, बाबर का स्ट्रेटेजी। बाबर जो है स्ट्रेटेजी के मामले में एक्सपर्ट थे। वैसे तो मैं बता दूं बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी का जो सेना थे
बाबर का सेना से 10 टाइम्स भी ज्यादा थे, 10 गुना से भी ज्यादा थे बाबर का सेना से, ठीक है। बट फिर भी इब्राहिम लोदी को उसने हरा था, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक। पहला है वो सडन अटैक करता था, युद्ध फील्ड में वो खुद जाता था ये पता करने की दुश्मन का सैनिक कहां से अटैक करेंगे, कहां से हम लोग बंकर बनाएंगे, कहां से घुड़सवार रहेगा, कहां पे हाथी रहेगा, कहां पे खुद रहेंगे, ये सब जो है सेटिंग वो खुद फील्ड जाके करते थे। ऐसा कौन सा राजा करता है? तो स्ट्रेटेजी के मामले में ही वाज परफेक्ट। सेकंड थिंग जो मेन चीज है कि आर्टिलरी एंड गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, तोप एवं गोला बारूद का इस्तेमाल किया था आर्टिलरी। बाबर वाज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया, और खासकर ये यूरोपियन टेक्निक था, इंडिया में इस्तेमाल नहीं हुआ था आर्टिलरी एंड गन पाउडर, और उसका इस्तेमाल बाबर ने करके जीत हासिल की, क्योंकि जब भी तोप होते थे गन पाउडर आर्टिलरी का इस्तेमाल होता था, दुश्मन के सैनिक, दुश्मन के घोड़े, दुश्मन के हाथी तो ऐसे ही डर जाते थे, अपने अपने लोगों को मारने लगते थे। सो दैट्स दैट वाज द रीजन, एक तो टेक्निक, एक स्ट्रेटेजी, और आर्टिलरी और गन पाउडर का इस्तेमाल करने की वजह से वो जो है पावरफुल हो गया। वो यूरोपियन टेक्निक था, इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में इस्तेमाल हुआ, क्लियर। और बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसका नाम है तुजू के बाबरी, बाद में बेशक उसको, और ये था तुर्किस लैंग्वेज में था, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शी लैंग्वेज में और उसका नाम रख दिया गया था दैट इज बाबरनामा। किसने ट्रांसलेट किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने, पारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट किया। देख सकते हो आप कि उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसका नाम है तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी, बाद में उसका नाम पड़ गया था बाबरनामा, बाद में उसका नाम पड़ गया था बाबरनामा, और इस भाषा में उन्होंने लिखे थे तुर्किस लैंग्वेज में, तुजू के बाबरी इन तुर्किस लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बाबर का मदर टंग था, मातृभाषा था बाबर का, ठीक है। उसके बाद जो है इसके इसमें क्या लिखा गया था, इट गिव्स एन एक्सेलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो किस प्रकार से रूल कर रहे हैं और इंडिया के बारे में भी उसमें जिक्र था। उसके बाद उसको ट्रांसलेट किए थे पारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाने खाना, ध्यान रखना अब्दुल रहीम खानों का खान, खाने खाना याद रहेगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखो ही वॉज नेम्ड एज बाबरनामा। उसके बाद जो है देखो पहले क्या था, सिंपल सी बात है, इतना याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट जो है उसका नाम था तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्किस भाषा में लिखा गया, तुर्किस जो है बाबर का मदर टंग था, मातृभाषा था बाबर के। फिर उसको ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, और कौन सा भाषा में ट्रांसलेट किए थे? पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किए थे, और उसका नाम रख दिए थे बाबरनामा। उस और ये बाबरनामा में किस चीज के बारे में जिक्र है? इंडिया एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, बाबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। हालांकि उस बुक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था बाय मैडम वेवरीज के द्वारा, और उसका नाम रखा गया था बुक बाबर और लेटर ऑफ बाबर, ठीक है। बाद में देखो उसका नाम जो है मैडम वेवरीज ने भी ट्रांसलेट किए थे और उनका नाम रखे थे बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर, कौन सा भाषा में? इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद देखिए बाबर कंपाइल्ड टू एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पोएम्स, एक का नाम था दीवान जो कि तुर्किस भाषा में था, एक का नाम है मुबियान जो कि पारसी लैंग्वेज में था। तो बुक लिखने के साथ साथ मतलब कंबाइंड किए थे टू एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पोएम, एक था दीवान और दूसरा था मुबियान। दीवान जो था वो है तुर्किस भाषा में और मुबया जो है वो था पर्शियन लैंग्वेज में था, क्लियर है। उसके बाद देखिए ही आल्सो रोट रिशाल आई उसाज लेटर ऑफ बाबर, जिसको और लेटर ऑफ बाबर, रिशाल आई उसाज और लेटर ऑफ बाबर। फिर क्या हुआ था देखो, एक चीज और बता दो, 1526 में बाबर जो है काबुली बाग मस्जिद बनाए थे, ठीक है, कौन सा मस्जिद? काबुली बाग मस्जिद बनाए थे, कहां पर? पानीपत। देखो एक इंसिडेंट हुआ था 1526 में, कौन सा इंसिडेंट है? सबसे हिस्टोरिकली मध्यकालीन भारत का सबसे इंपोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, वो है बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। तो बैटल ऑफ पानीपत के याद में, विक्ट्री के याद में उन्होंने अगले साल 1527 में उन्होंने क्या बनाया था कि काबुली बाग मस्जिद बनाया था। किस पर्पस में बनाया था?
कि जो बैटल ऑफ पानीपत पे जो फतेह हासिल की थी, बैटल ऑफ पानीपत में जो जीत हासिल की थी उसको यादगार के लिए, मेमोराइज करने के लिए उन्होंने 1526 में अगले साल जो है उन्होंने क्या किया था, अगले साल उन्होंने 1527 में काबुली बाग मस्जिद बनाया था, पानीपत में ही बनाया था, क्लियर, पानीपत में ही बनाया था। और सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल मस्जिद क्या है इंडिया का, सबसे डिबेटेबल और सबसे कंट्रोवर्शियल मस्जिद कौन सा है, बाबरी मस्जिद है ना, बाबरी मस्जिद है सबसे डिबेटेबल और सबसे कंट्रोवर्शियल है। और ये देखो बाबर, ये किस किस टाइम पे हुआ था, 15 नवंबर जब बाबरी मस्जिद हुआ था उस टाइम पे दो कंट्रोवर्सी था। पहला रीजन जो है, मस्जिद जो है अपने नाम पे नहीं बना सकते, और बाबर ने अपने नाम पे मस्जिद बनाए थे बाबरी मस्जिद। सेकंड जो चीजें है कि वहां पर हिंदुओं के मंदिर था, राम मंदिर, और राम मंदिर को तुड़वा के बाबर ने जो है बाबरी मस्जिद बनाया था। ये यही जो चीजें है, यही है मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। और आप लोगों को आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। तो इस तरह का जो है सालों तक रहा ये कंट्रोवर्सी, सालों तक ये कंट्रोवर्सी रहा। 1528 देखो, 15 मतलब उस जमाने की बात है, 1500 की बात है, 1528 से लेकर अभी जो न्याय हुआ था, मतलब ये जो है 2000 तक चला था, समझ रहे हो चीजें, 1528 की बात है, अभी 2022 2021 तक चल रहा था ये इंसिडेंट, अब तक भी मतलब गर्मा गर्म है ही उस मैटर को, समझ को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जरूर दे दिया है बट उसका गर्मा गर्म अब तक भी चलती है। 1528 में ये इंसिडेंट हुआ था, 1828 में द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद हुआ था, कहां पे, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, यूपी में, दैट इज द कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, दैट इज इन अयोध्या, अयोध्या। और उसको जो क्रिएट किए थे उसको कौन किए थे, मिरवाकी, हालांकि बाबर के ऑर्डर से उन्होंने करवाया था, मिरबाकी जो कि कमांडर थे बाबर के, मिरबाकी कौन थे, बाबर के कमांडर थे, उन्होंने बनाया था बाबरी मस्जिद, ठीक है, क्लियर है। तो ये था बाबर के बारे में। बट एक चीज मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, देन आई विल कम टू द टॉपिक, है ना, कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। सबसे पहले चलो मैं लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ और पूछता हूँ, अभी जाके मैं चलिए कुछ चीजें मैं लिख के पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, आंसर नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, 10 मिनट जो है गेम खेलते हैं, कोई जाएगा नहीं, और भी टॉपिक है, आज मैं हुमायूं भी डिस्कस करूंगा, और भी टॉपिक है, बट उससे पहले 5-7 मिनट में आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार लिखो यार, ऑल क्लियर लिख दो, मेरी आवाज अगर क्लियर है तो एक बार लिख दो, ठीक है, आवाज क्लियर है, बहुत अच्छा। कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूं आप लोगों से अभी, फिर एक टॉपिक करेंगे, हुमायूं करेंगे आज। चलिए बहुत अच्छा, चलिए चलिए बताइए, फटाफट बताइए। यस, आप लोगों का मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए तो मजा आता है ना। आज तो मैं जाऊंगा नहीं, आज तो दिन भर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों, तो ठीक है, इतने शानदार पढ़ रहे हो, इतने शानदार तो फिर तो मैं कहूंगा। चलिए पहले उसका बाप जो मुगल अंपायर है, सबसे पहले मुगल अंपायर सबसे पहले बताइए, अर्ली मुगल्स की लिस्ट बताइए, फटाफट लिस्ट बताइए, कब से कब तक कौन कौन से रूलर आए थे बताओ, फटाफट बताओ। मैं ट्रिक भी आप लोगों को दे दिया था, SAJSA सबसे पहला चीज ये बताओ,
और यहाँ पर जो है बी है और यहाँ पर एच है। फटाफट बताओ क्विकली, ठीक है। सबसे पहले क्या था? बाबर। उसके बाद क्या है? हुमायूं। सादसा याद रहेगा, सादसा ऐसे जे ऐसे सादसा, सादसा डांस, सादसा याद रहेगा। तो एस पर शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ए पर औरंगजेब, ए पर औरंगजेब। जे पर जहांगीर, जहांगीर। एस पर शाहजहां, एस पर शाहजहां। और ए पर सॉरी यहां पर एस ए जे, हाँ सॉरी ये ए फॉर अकबर है, ये ए फॉर अकबर और ये ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर औरंगजेब सॉरी, ठीक है। शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड लास्ट वन इज औरंगजेब। उसके बाद देखो बाबर का जो बैटल हुए थे, मैं लिख देता हूं 1526, 1527, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। फटाफट बताओ कौन कौन सा बैटल का नाम क्या, फटाफट बताओ बैटल का नाम क्या, फटाफट बताइए। उसके बाद बताइए, ये बताइए बैटल, बैटल का नाम क्या है बताइए, और उसके बाद बताइए उसके अपोज में, बाबर के अपोज में कौन कौन थे, बाबर के अपोज में कौन कौन से ओपोनेंट बताइए, ठीक है। सिंपल है, 1526 में क्या है? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। 1527 में क्या है? पानी के बाद खाना, खानवा, खाना, खाना के बाद क्या हुआ था? डायरेस करने के लिए चला था, चंदेली, चंदेली, चलते चलते कहां गया? घर गया, घाघरा, घाघरा जाने के बाद क्या हो गया था? मर गया, डेथ, डेथ हो गया। तो पानी पिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के लिए चल दिया, कहां गया? घर गया, और तीस में मर गया। हाँ, उसके बाद उसके अपोज में कौन कौन थे? उसके अपोज में पानीपत में देखो दोनों में लोधी थे, उसमें क्या है? इब्राहिम लोधी। उसमें क्या लास्ट वाला क्या है? ये घाघर क्या है? मोहम्मद लोधी। दोनों में ही लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, लास्ट वाला जो है मोहम्मद लोधी। उसके बाद जो है, उसके बाद देखो खनवा में क्या है? और चंदेरी में क्या है? चंदेरी मेदिनीरो, चंदेरी जो है मेदिनीरो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बताओ बाबर ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा था वो क्या था? उसके बाद बताइए बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी था वो क्या था, लिखो फटाफट बाबर का ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद उनके ऑटोबायोग्राफी को कौन सा भाषा में लिखे थे बताइए, उसको किसने ट्रांसलेट किया था और कौन सा भाषा में ट्रांसलेट किया? दो राइटर थे, एक एक जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था और एक है जो है उसको पारसी भाषा में भी ट्रांसलेट किया था। यस, तुजू के बाबरी तुर्किस भाषा में, उसको पारसी भाषा में पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट किए थे। उसके बाद जो है इंग्लिश में मैडम बेवरिज, लेटर टू द बाबर के नाम पे है ना, मैडम बेवरिज ने किए थे। यस, उसके बाद जो है काबुली बाग फोर्ट, काबुली बाग फोर्ट कौन सा ईयर में किए थे और कौन सा बैटल को जीतने के बाद उन्होंने किया था, जो कि हरियाणा में है। यस, बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद काबुली बाग फोर्ट किए थे, ठीक है। और उस उनका जो दो पोयम है उनका नाम क्या है, नाम क्या है? एक है दीवान, एक है मोबियान, है ना, एक है दीवान और एक है मोबियान, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। बाबर कहां जन्म हुआ था, कौन सा जगह पे? अंडीजाम, 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 ठीक है। और बाबर जो है कौन सा स्टेट में पहले अटैक किया था इंडिया का, और कितने बार उससे पहले धन के दौलत के चक्कर में आ चुका था बाबर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। पंजाब में, बेरा में, पंजाब के बेरा में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर बाबरी मस्जिद किसने बनाया था, बाबर का कमांडर कौन था बाबरी मस्जिद बनाने वाला? मीर बाकी। यस, निगार खानम कौन थे? निगार खानम। यस, बहुत अच्छा, अति सुंदर। चलिए
जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग का आंसर जो है जबरदस्त आ रहा है, और क्या चाहिए, ऐसे आंसर देते रहोगे तभी जाके मजा आएगा फिर पढ़ने में, पढ़ाने में भी। ठीक है, बहुत अच्छा, फंटास्टिक। चलिए अब जो है अब हम स्टार्ट करेंगे हुमायूं। ठीक है, अब जो स्टार्ट करेंगे हुमायूं, अब क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग हुमायूं, अब जो है हुमायूं। ठीक है, हो गया रिवीजन बाबर का। अब देखो हुमायूं, हुमायूं जो है एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मान सकते हो, हुमायूं के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मजेदार कैरेक्टर है हुमायूं, आप लोगों को भी मजा आएगा हुमायूं पढ़ने में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। देखो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, आप आवाज सब क्लियर आ रहा है, सब कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है मुझे, बता दो, ऑल क्लियर लिख दो, ताकि मैं बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ ठीक हो, ऑल क्लियर एक बार लिख दो, तब उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि साउंड जो है क्लैरिटी ना आ रहा हो। ठीक है, ऑल क्लियर एक बार लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि सब कुछ ठीक है। ऑल क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हाउ आर यू सर, आई एम फैंटास्टिक। आपका ऑल क्लियर का मैसेज ही मैं बस देख रहा हूँ, और सब कुछ भगवान को दया से और आप लोगों की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए बेशक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है अगला जो टॉपिक है वो है दैट इज हुमायूं, और हुमायूं का जो टाइम पीरियड है 1530 से लेकर 1540 तक, फिर से एक टाइम है 1555 से लेकर 1556 तक। अब मैं बताऊंगा कि ये दो बार कैसा हुआ। ठीक है, फर्स्ट है 1530 से 40, और सेकंड जो है 1555 से लेकर 56 तक है। क्लियर है हुमायूं का, और हुमायूं का जो जन्म हुआ था 1507 में, उनका जन्म हुआ था कहां पे, काबुल में जन्म हुआ था, और बाबर और महीम सुल्तान का जो बेटा है वो है हुमायूं। ठीक है, पहले स्टोरी सुन लो, पहले स्टोरी सुन लो हुमायूं के बारे में, उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगा। जी, बाबर और महीम सुल्तान का जो बेटा है वो है हुमायूं है। ठीक है, और उनको जब 23 साल का उम्र था, 23 साल की उम्र में इन द 29th दिसंबर इन द ईयर 1530 में वो जो है शासक बने थे, और उनके ही डिवाइड हिज एम्पायर इनटू हिज ब्रदर अस्कारी हिंडाल एंड कमरा। अस्कारी हिंडाल एंड कमरा अपने भाइयों में उन्होंने जो है बांट दिया अपने जो एम्पायर। और हुमायूं के टाइम पे तीन बैचल हुए थे। पहले पहले मैं चाहूंगा पहले स्टोरी आप सुन लो, उसके बाद एक एक करके और डिटेल में बात करेंगे, पहले स्टोरी सुन लो। क्लियर है पर? तो उनके टाइम पे तीन बैटल हुआ था, आपके सामने स्क्रीन के सामने है, एक है बैटल ऑफ चौसा जो कि बिहार में है, एक है बैटल ऑफ कनौज और एक है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज जो कि यूपी में है, और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि पंजाब में। सो 1539 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा, 1540 में हुआ था बैटल ऑफ कनौज, और 1555 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा रिवीजन पंजाब। सो ये जो दोनों बैटल हुए थे 1539 एंड 1540, ये दोनों के बीच में हुआ था, एक है हुमायूं के बीच में और एक है शेर शाह सूरी के बीच में। बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ था, बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिए थे, उसके बाद हारने के बाद फिर से बैटल हुआ था 1540 में बैटल ऑफ कनौज में, यहां पर भी शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में हुआ था, और यहां भी जो है यहां पर भी जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। दोनों बैटल में हारने के बाद हुमायूं एस्केप टू ईरान एंड ही स्टे देयर इन एग्जाइल फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर। टोटल तो वैसे भी 15 साल तक वो मिस आउट रहे थे, 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर 55 तक, ठीक है। तो
15 साल तक वो रहे थे, बट तो उसी दौरान 12 साल तक वो एग्जाइल में थे। उसी दौरान जो है 12 साल जो है एग्जाइल में थे। एग्जाइल का मतलब है अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास मतलब समझते हो? यस। तो 15 साल जो 1540 से लेकर 55 तक जो 15 साल वो ये थे, उसी बीच में जो है 15 साल में से 12 साल वो अपने आप को अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा के रखे थे। उसका रीजन क्या था? अगर शेरशाह सूरी को पता चलता तो शायद वो उसको परमानेंटली उसको खत्म कर देता, हत्या कर देता। इसी चक्कर में उस अपने आप को छुपा के रहते, इंडिया छोड़ दिया था। ही वॉज इन एक्साइल। उसके बाद लास्ट 3 साल में उन्होंने आर्मी को अपना जो आर्मी को सशक्त किए थे और दोबारा से वो कमबैक किए, और 1555 में उस टाइम पे शेरशाह सूरी का बेटा था सिकंदर शाह सूरी रूल कर रहा था। और 1555 में ये याद रहेगा, 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था, कहां पे? पंजाब में, सिकंदर शाह सूरी, शेरशाह सूरी का बेटा और हुमायूं के बीच में। तो यहां पर जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को मतलब परास्त किए थे। उसके बाद फिर उन्होंने जो है मतलब शासन किया था। हालांकि उसके बाद जो शासन किए थे वो ज्यादा टाइम तक नहीं था, बट उसके बाद उन्होंने शासन किए थे। हालांकि मैं अगर बात करूं, देखो हुमायूं का एक्चुअली मीनिंग जो है वो है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब क्या है? भाग्यवान इंसान, भाग्य भाग्यवान इंसान। बट रियल लाइफ में वो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य पूर्ण इंसान थे। सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसान वो थे रियल लाइफ में, ठीक है। हालांकि ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन और एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे और एक अच्छे जो है एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। और 1539 में उनका बैटल हुआ था चौसा, 1540 में बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ कनौज, ठीक है। उसके बाद वो चले गए, उसके बाद आए थे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में, वो आए थे, ठीक है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में आए थे। और हुमायूं जैसे ही आए थे उसके बाद वो ज्यादा टाइम 1555 से 1556 तक ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए थे। उनका डेथ हो गया था, जिसकी वजह से वो खुद का, जैसे कि बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था बाबरनामा, तुजू के बाबर, जिसको ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खान ने बाबरनामा के हिसाब से। हुमायूं जो है अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख पाए। देखिए, मुगल शासक में दो रूलर ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख पाए, वो एक है हुमायूं और दूसरा है बाबर, सॉरी अकबर। अकबर एक है हुमायूं, किस लिए? क्योंकि हुमायूं का जो डेथ हो गया था बहुत जल्दी ही हो गया था। हुमायूं का डेथ जल्दी होने की वजह से वो लिख नहीं पाए थे। और अकबर क्यों नहीं लिख पाए थे बताइए, कौन बताएगा? अकबर क्यों नहीं लिख पाए थे कौन बताएगा? क्योंकि अकबर जो है अंगूठा छाप वाले थे, अनपढ़ थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता, नहीं, अनपढ़ थे, इसलिए वो नहीं लिख पाए, ऑफ कोर्स, ठीक है। हालांकि उनका लिखे थे अबुल फैजल ने, आईन अकबरी, दैट वाज बायोग्राफी। देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क है। ऑटोबायोग्राफी में आप खुद लिखते हो अपने बारे में, बायोग्राफी मतलब कोई और लिखता है आपके बारे में। तो आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखे थे, हालांकि वो भी फेमस किताब है, बट वो खुद नहीं लिखे थे, दैट वाज बायोग्राफी नॉट ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी लिखे थे हुमायूं, हुमायूं का जो ऑटोबायोग्राफी लिखे थे उनका सिस्टर, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है उनके सिस्टर है, जिन्होंने उनका जो है हुमायूं नामा ऑटोबायोग्राफी लिखे थे पार्शियन भाषा में। और हुमायूं का डेथ होने के बाद उनके वाइफ, जिनका नाम है हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम भी कहा जाता है, हाजी बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम बनवाए थे हुमायूं के याद में, हुमायूं के याद में, क्लियर है, हुमायूं टॉम बनाए थे। हालांकि हुमायूं टॉम बनाने का जो मदद जो है अकबर ने जरूर किए थे, अकबर जो है हुमायूं का बेटा है, अकबर है, बट उनके मदर जो है हमीना बानो बेगम, हाजी बेगम कहना था, उन्होंने हुमायूं टॉम बनवाए थे उनके याद में। देखो मतलब यहां पर क्या है, हुमायूं के याद में हुमायूं के वाइफ बनाए थे हुमायूं, और शाहजहां जो रोमांटिक हीरो है, चॉकलेटी हीरो है, वो बनाएंगे अपने वाइफ की याद में ताजमहल, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद जो है पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड, पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं। हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको कंप्लीट किए थे शेरशाह सूरी ने, उनको कंप्लीट किए थे, ठीक है। और एक चीज उन्होंने किया था 1533 में, 1533 में
कि सिटी ऑफ दिन पनाहा उन्होंने किया था। दिन पनाहा जो वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर है जो कि दिल्ली में हुआ करता था, वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर जो कि दिल्ली में हुआ करता था उनके टाइम पे सिटी बनाया गया। चलिए अब ये सब चीजों पे हम डिटेल में अभी कुछ चीजों पे बात करता हूं। देखो पहला चीज क्या है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड है 1530 से लेकर 40 और 1555 से 1556, यहां पर कितना साल 10 ईयर्स और यहां पर ऑलमोस्ट 6 मंथ ना 1 साल मान लो चलिए करीब करीब उनका हुआ था। और हुमायूं वाज बोर्न इन 1507 कहां पे काबुल, काबुल दैट इज इन अफगानिस्तान एंड ही वाज द सन ऑफ बाबर एंड महीन सुल्तान। उनका फादर का नाम है बाबर और उनका मदर का नाम है महीम सुल्तान, महीम सुल्तान ठीक है। हालांकि वो 23 साल की एज में एट द एज ऑफ 23 ईयर्स ही बिकम द मुगल एम्परर। कब हुए थे? इन द ईयर 29th of December 1530 में, 1530 में 29th of December 1530 में वो शासक बन गए थे जब 23 साल का उम्र था उनका ठीक है। और उन्होंने अपने एम्पायर को जो है तीन भाग में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने अपने एम्पायर को अपने भाइयों में डिवाइड कर दिया था, ब्रदर्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सा है? एक है अस्कारी, एक है हिंडाल, एक है अस्कारी, एक है हिंडाल और एक है कमराल। एक है कमराल, अस्कारी, हिंडाल और कमराल अपने भाइयों में उन्होंने अपना एम्पायर को डिवाइड कर दिया। और सबसे जरूरी स्लाइड है हुमायूं का, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है वो है बैटल के बारे में। जिस प्रकार से बाबर का बैटल जो है रेलिवेंट है, उस प्रकार से हुमायूं का तीन बैटल भी रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक है बैटल ऑफ चौसा, एक है बैटल ऑफ कनौज और एक है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ चौसा, चौसा कहां पे है? चौसा है बिहार में। कनौज कहां पे है? उसको बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, यह है यूपी में। और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा कहां है? यह है पंजाब में। चौसा, कनौज एंड मच्छीवाड़ा, क्लियर है पॉइंट। और 1559 में बैटल ऑफ चौसा, 1540 में बैटल ऑफ कनौज और 1555 में क्या होता है? 1555 याद रहेगा, 1555 याद रहेगा, ये नाम अजीब लग रहा है, 1500 अच्छा लग रहा है, मतलब 1555 मच्छीवाड़ा, मच्छी से भी याद कर सकते हो मच्छीवाड़ा ठीक है। उसमें से देखो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज जो है हुमायूं एंड शेरशाह, ये दोनों ही बैटल किसके किसके बीच में? हुमायूं शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी जो है सूरी वंश के फाउंडर थे, शेरशाह सूरी जो है सूरी वंश के फाउंडर थे। तो फर्स्ट बैटल तो हुआ था बैटल ऑफ चौसा, जिसमें हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हुई थी और जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था बैटल ऑफ चौसा, और उन्होंने चौसा के ऊपर कैप्चर कर लिया। फिर हुआ था बैटल ऑफ कनौज यूपी में। हाँ, नोट अपलोड कर लेंगे, डोंट वरी ठीक है, नोट अपलोड आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है अनअकैडमी अंडरस्कोर व्यंकटेश मेहर में, वहां पर नोट अपलोड कर लूंगा ठीक है, डोंट वरी। चलिए हाँ, उसके बाद जो है बैटल ऑफ कनौज, जिसको बैटल ऑफ बेलग्राम भी कहा जाता है ठीक है, ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था और यहां पर भी रिजल्ट वही है कि अगेन अगेन शेरशाह डिफीटेड हुमायूं, दोबारा से शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और दोबारा हारने के बाद वो चले गए थे ईरान, किसके डर में? शेरशाह के डर में। अगर उस टाइम पे पकड़े जाते तो शायद उसको मार देते, तो वो इंडिया छोड़कर चले गए। ही एस्केप टू ईरान एंड ही स्टे देयर इन एग्जाइल फॉर ऑलमोस्ट 12 इयर्स। वैसे तो टोटल देखो 1540 से लेकर 1555 कितना साल हुआ? 15 साल हुआ, तो 12 साल एग्जाइल में, एग्जाइल मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा के रहे थे। बाद में 3 साल में अपना आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था, दोबारा कमबैक किया था। उस टाइम पे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा पंजाब में हुआ था, जिसमें सिकंदर शाह सूरी थे, इसमें सिकंदर शाह सूरी। और ये कौन है सिकंदर शाह सूरी? सिकंदर शाह सूरी जो है ये शेरशाह सूरी का बेटा, उस टाइम पे रूल करना था शेरशाह सूरी का बेटा। तो फिर से हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी, हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी। इस बार हुमायूं हारे नहीं थे, उस बार जो है सिकंदर शाह सूरी को हराए और दोबारा से उन्होंने 1555 में कैप्चर किया था भारत के ऊपर दोबारा से। तो यहां पर देख सकते हो
और एक चीज है, देखो हुमायूं का मतलब क्या होता है फॉर्चुनेट, बट मेरे हिसाब से आप इतिहास भी पढ़ोगे, यहाँ हुमायूं के बारे में भी पढ़ोगे, सबसे अनफॉर्चुनेट इंसान जो है हुमायूं था, ठीक है। हालांकि ही वाज एन एस्ट्रो एकॉम्प्लिश्ड मैथमेटिशियन, बहुत अच्छे जो है गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, और ऑल्सो एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। तो अभी जो हमने बात किया था 1539 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा बिहार में है, और हुमायूं वाज डिफिटेड बाय शेरशाह सूरी इन बैटल ऑफ चौसा। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या था, फरीद खान। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल जो नाम था वो है फरीद खान, और बेसिकली ही वाज एन अफगान रूलर, वो अफगान रूलर थे। उसके बाद देखो 1540 बैटल ऑफ कनौज हुआ था, बैटल ऑफ कनौज को बिलग्राम की लड़ाई भी कहा जाता है, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, वो कहां पे है, यूपी में है, ठीक है। और शेरशाह सूरी कंप्लीटेड डिफिटेड हुमायूं एंड फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी का उन्होंने, शेरशाह सूरी ने कब गठन किया था, 1540 में ही फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी, दो बार 1539 और 1540 में दो बार हराने के बाद उन्होंने सूरी डायनेस्टी का स्थापना किया था, ही फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी। क्लियर है पॉइंट, सूरी डायनेस्टी का उन्होंने गठन किया, क्लियर है पॉइंट। और जैसे ही दो बैटल में हार गए थे तो उसके बाद हुमायूं एस्केप ईरान, वो ईरान चले गए थे, और स्टे देयर इन एग्जाइल फॉर कितना साल, 12 इयर्स, 12 साल तक। एग्जाइल का मतलब है अपने आप को अज्ञातवास के हिसाब से रखना, 12 साल तक अपने आप को अज्ञातवास के हिसाब से रखे थे। और उसके बाद जो लास्ट 3 साल में उन्होंने रीऑर्गेनाइज किए थे अपने आर्मी को और कम बैक टू इंडिया, जब दोबारा वापस आए थे 1555 में, कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था। मच्छीवाड़ा कहाँ पे है, पंजाब में, और मच्छीवाड़ा किसके बीच में हुआ था, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, किसके बीच में, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और यहाँ पर सिकंदर शाह सूरी कौन है, सन ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का बेटा है, और यहाँ पर हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त किया था, हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिए थे, क्लियर है अपन। उसके बाद हालांकि वो उसके बाद जो है 6 महीना तक ही रूल कर पाए थे, और उनका बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था जिसका नाम है शेर मंडल, एक बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था जिसका नाम है शेर मंडल, शेर मंडल जो कि पुराना किला में था, पुराना किला के पास था, वहां से गिर कर उनका डेथ हो गया था। बड़ा सा जो लाइब्रेरी हुआ करता था जिसका नाम है शेर मंडल, शेर मंडल वहां, वो पुराना किला के पास है दिल्ली में, और 24th of January 1556 में उनका जो है डेथ हो गया था, उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था, क्लियर है पॉइंट, डेथ। उसके बाद देखो उनका डेथ होने के बाद उनका वाइफ का नाम है हाजी बेगम, क्या नाम है, हाजी बेगम, जिसको हमीदा बानो बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने उन्हीं के याद में हुमायूं टम्ब बनाया था। और ये कहा जाता है कि दिस इज द हुमायूं टम्ब वाज द रेप्लिका ऑफ ताजमहल। हुमायूं टम्ब जिस तरीके से बनाया गया दिल्ली में है, कभी दिल्ली में आप अगर हो या दिल्ली में कभी घूमने आओ तो हुमायूं टम्ब जरूर देखिए, हुमायूं टम्ब जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन है, मतलब अच्छा है। हुमायूं टम्ब देखोगे और ताजमहल देखोगे तो सिमिलर है, खाली फर्क इतना है कि ताजमहल वाज मेड अप शंखमलमल से बना है और हुमायूं अलग, तो हुमायूं इज द रिप्लिका ऑफ ताजमहल, मतलब सिमिलर है, खाली फर्क है पत्थर का फर्क। तो हमीदा बानो बेगम जो है उनके वाइफ है थे, जिनका नाम है हाजी बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने क्या बनाया था, मतलब उनके वाइफ जो है उनके याद में हुमायूं टम्ब बनवाए थे, इन द मेमोरी ऑफ द हुमायूं, हुमायूं टम्ब बनाए थे अकबर की मदद से, उनका बेटा का नाम अकबर थे, अकबर की मदद से। उसके बाद जो है उनकी जो सिस्टर है जिनका नाम है गुलबदन बेगम, ये नाम तो इतना इंटरेस्टिंग है आपको याद भी रहेगा, गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ हुमायूं, पारसी भाषा में उन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था, ये याद कर लो, उन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा, ठीक है, दैट वाज द ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, ये बायोग्राफी, दैट वाज द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, दैट वाज रिटन बाय हर सिस्टर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है, हुमायूं की सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पुराना किला देखे हो, पुराना किला, कभी पुराना किला भी देखने जाना, ठीक है, खासकर वहां पर इवनिंग में एक शो होता है, ये भी दिल्ली में है, इवनिंग में शो होता है, बहुत जरूर देखिए, जैसे कि अक्षरधाम में, अक्षरधाम आप लोगों ने गया होगा, गए होगे, दिल्ली में है,
और वहां पर भी एक फाउंटेन शो होता है, उसको भी जरूर देखिए। बट यहाँ पर भी जब जाओगे पुराना किला, उनका इवनिंग शो होता है, जबरदस्त होता है, उसको देखना कभी, ठीक है, मजा आएगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया जाता है, ठीक है। डोंट वरी, मैं हूँ, डोंट वरी। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, ठीक है, ओके। सो अब देखो, उसके बाद जो है उन्होंने 1533 में क्या किए थे, दीन पनाह वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर किए थे दिल्ली में, जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ रिफ्यूजी, यू कैन से रिफ्यूजी के लिए, ठीक है, दीन पनाह किए थे। तो उन्होंने देखिए फर्स्ट थिंग क्या है, अब देखो इन द ईयर 1533 में उन्होंने क्या किए थे, हुमायूं बिल्ट द सिटी, सिटी ऑफ दीन पनाह, दीन पनाह जो कि वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर था, वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर इन दिल्ली, कहां पर था, इन दिल्ली, ठीक है। और ही डिक्लेयर दीन पनाह टू बी द सेकेंड कैपिटल एंड द फर्स्ट कैपिटल वाज कहां पर, तो दीन पनाह को उन्होंने जो है सेकंड राजधानी, दीन पनाह को जो उन्होंने जो है सेकंड कैपिटल के हिसाब से घोषित कर दिया था। ऑफ कोर्स फर्स्ट कैपिटल क्या था, फर्स्ट कैपिटल वाज काबुल, काबुल वाज द फर्स्ट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, द पीरियड फ्रॉम 1540 टू 55 इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पररी एक्सप्लीव्स ऑफ द मुगल, एक्सप्लेन। ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ये जो है देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्या, ये क्वेश्चन मेंस में आया था, बन सकता है, ये तो अलग बात है, ये क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखो, क्वेश्चन ये पुटअप हुआ है कि द पीरियड फ्रॉम 1540 से लेकर 1555 इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पररी इक्लिप्स ऑफ द मुगल्स, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करिए। 1540 से लेकर 1555 तक उसका मीनिंग क्या कहता है कि 1540 से लेकर 1555 तक मुगल काल के लिए, मुगल शासक के लिए एक तरफ से टेम्पररी इक्लिप्स था, मतलब एक तरफ से अमावस्या, समझते हो, अमावस्या मतलब यहां पर नेगेटिव कनोटेशन हुआ है, मतलब गलत था, नेगेटिव हुआ था मुगल के लिए, बताओ, मुगल के लिए बुरे वक्त थे, मुगल के लिए बुरे वक्त थे, बताओ, एक्सप्लेन करो, सिंपल सी बात है, बुरे वक्त क्यों थे 1540 से 1555। देखो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को, यहाँ पर बैटल में बताया था, देखो 1540 से 1555, 1540 से 1555 मुगल के लिए बुरे वक्त क्यों थे, क्योंकि 1539 और 1540 में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज हुआ था हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को चौसा में भी और कनौज में भी हरा दिए थे, और ये जो है चले गए थे कहां पर, ये चले गए थे ईरान चले गए थे। उसी दौरान किसने रूल किया, फिर वापस आए थे 1555 में, बट उसी दौरान में शेरशाह सूरी ने कैप्चर किया था, उसके बाद उनका बेटा सिकंदर शाह सूरी, ये सब कैप्चर किए थे, तो इसीलिए मुगल काल जो है चल नहीं पाया था, बीच में शेरशाह सूरी और उसका बेटा आ गया, समझ रहे हो चीज़, इसलिए उसको मतलब यू कैन से कह सकते हो कि बुरा वक्त था, मुगल दौर के लिए बुरा वक्त था। क्लियर है पॉइंट, सो दिस इज ऑल अबाउट हुमायूं, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेरशाह के बारे में, बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे, शेरशाह के बारे में बात करेंगे, ठीक है, शेरशाह के बारे में उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है ये शेरशाह वाला पीपीटी, दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है, गिव मी 1 मिनट।
गिव मी 1 मिनट, ठीक है बने रहिए। अच्छा अभी 3 बैटल मुझे तब तक बताइए, 3 बैटल तब तक बताइए। किसके टाइम पे, किसके टाइम का 3 बैटल है? हुमायूं, हुमायूं का 3 बैटल बताइए, ईयर बताइए और बैटल। हुमायूं के बारे में कौन कौन सा बैटल है और कौन कौन सा ईयर में हुआ था? यस वेरी गुड। हम लोग ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ये क्लियर था, पहले वाला क्लियर था? ये क्लियर है, पहले वाला क्लियर है बताओ? ये वाला क्लियर है, पहले वाला क्लियर है? मुझे एक चीज बता दो ताकि मैं कंफर्म हो पाऊं। ये जो स्लाइड लगा हुआ है, पहले क्लियर था? ओके फाइन, ठीक है, पहले वाला हो जाएगा फिर। हाँ सच बोल रहे थे आप लोग। यस, हो गया फिर? ओके फाइन, चलिए अब जो है हम लोग बात करेंगे शेरशाह के बारे में। बात किसके बारे में? शेरशाह का। नाउ डिस्कस अबाउट द शेर। तो शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 45 तक, सुनो पहले शेरशाह सूरी के बारे में, पहले आप सुने, प्यार से सुने, ध्यान से सुने, ठीक है? तो शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1545 तक, कब से कब तक? 1540 से लेकर 1545 तक। केवल 5 साल तक रूल किए थे शेरशाह सूरी ने, बट 5 साल में ही वॉज फेमस फॉर हिज लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ऑल्सो फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन के हिसाब से ही वॉज द फेमस किंग। अगर मैं लैंड रेवेन्यू की बात करूं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फेमस किंग। रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फेमस किंग। उन्होंने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सुधार लाए थे। उससे पहले जमींदारी सिस्टम वाज देयर। जमींदारी सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा जो होता था वो जमींदार को होता, पीजेंट से वो टैक्स वसूल करते थे, और सरकार इस तरीके से जमींदार को फिक्स रखते थे कि जितना ज्यादा टैक्स वसूल करोगे उसी का हिस्सा ही जमींदार को मिलते थे। तो बेचारा जमींदार क्या करेगा उस कंडीशन में, ज्यादा से ज्यादा पीजेंट से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, टैक्स लाने की कोशिश करेगा ताकि उसका हिस्सा ज्यादा हो, अमाउंट ज्यादा हो। तो उस पर्पस में, उस चक्कर में क्या होता था, उस पर्पस में, उस चक्कर में क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा, उस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करवाते थे। किससे? पीजेंट से ज्यादा टैक्स वसूल करवाते थे, उनका हिस्सा ज्यादा, ठीक है? उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी 11 बजने के लिए जो है ऑलमोस्ट 15 मिनट है, और 11 बजे आज मैंने एक सेशन रखा है। कहां पे? प्लस पे। 11 बजे आज मैंने एक सेशन रखा है प्लस पे, और ये जैसे ही खत्म होता है आप जो है अनएकेडमी ऐप में मेरे साथ ही चलिएगा, और हम लोग 11 बजे ही अनएकेडमी ऐप को हम लोग शुरुआत करेंगे, और वहां पर बने रहना। और आज जितने अभी जैसे कि बच्चे हैं 170 बच्चे हैं, तो मैं चाहूंगा 170 बच्चे वो प्लस में भी रहें और क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ये सेशन खत्म होने के बाद, ये सेशन जो खत्म होगा
11 बजे 10-15 मिनट और है, तो यहाँ सेशन करके इमिडिएटली 2-3 मिनट में ही हम लोग प्लस पे चलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप प्लस का ऐप खोल के मेरा नाम टाइप कर दोगे तो आ जाएगा। उसमें फ्री क्लासेस है, प्लस में भी ऐसा नहीं कि खाली पेड क्लासेस है, उसमें फ्री क्लासेस है, केवल पेड के लिए नहीं है, फ्री क्लासेस है। वहां पर आइएगा और वहां पर भी जो है पार्टिसिपेट करिएगा। अब मैं क्या करूंगा आने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम पे ये करूंगा कि यहां पर जो है मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा सारा चीजें, और वहां पर मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आने वाला टाइम पे। ठीक है, यहां पर एक्सप्लेनेशन होगा और वहां पर जो है एमसीक्यू डिस्कस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं पिछले 15 साल का 10 साल का टेस्ट क्वेश्चन, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मजा आएगा। यहाँ पर आप सुन रहे हो, वहां पर आप टेस्ट दे रहे हो, आपको भी पता चलेगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, कितना सही कर पा रहे हो कितना गलत कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, यूपीएससी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? जस्ट आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ टॉपिक एवरी डे, हर एक दिन जो है मैं वहां पे जो है सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, और कोशिश मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर जो डिस्कस करूं वहां पर भी उसी का एमसीक्यूज करूं। क्लियर है? जस्ट 11 बजे। क्लियर है? तो यहां पर मैं बात कर रहा था यहां पर आप लोगों को कि जमींदारी सिस्टम, जमींदार सब जानबूझकर जो है टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूल करते थे ताकि उनका हिस्सा ज्यादा हो, और तो उन्होंने क्या किया कि जमींदारी सिस्टम को उन्होंने हटा दिया। सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम को ही हटा दिया था, और जमींदारी सिस्टम हटने के बाद क्या किया कि उन्होंने फार्मर को यह बताया कि जितना प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 आप जो है डायरेक्टली राजा को दोगे, बाकी जो 2/3 जो है आप रखोगे। तो 1/3 शुड बी गिवन टू द किंग और रेस्ट 2/3 शुड बी केप्ट बाय द पीजेंट। उससे पहले क्या होता था, जमींदार सब उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, जिसमें फार्मर भी दिक्कत में थे और राजा के पास भी टैक्स कम आता था। अब क्या हुआ कि राजा के पास टैक्स भी सफिशियंट आया और फार्मर भी खुश हो गया बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज। उसके बाद मैं बता दूं जो आज के डेट में भी जो रुपया है, आज के डेट में भी हम लोग बोलते हैं जो रुपया है, ठीक है, और टंका, ठीक है, जिसको टाका बोलते हैं, सो वो जो है शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के टाइम पे ही ये नाम का शुरुआत हुआ था। और पोस्ट ऑफिस जो पोस्टल सिस्टम है इतना ज्यादा तगड़ा था आज के डेट में, हालांकि इंटरनेट का जमाना है तो पोस्ट ऑफिस का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है, बट बिफोर 15-20 ईयर्स बैक जो है पोस्ट ऑफिस का बहुत ही मतलब जमाना था। तो पोस्ट ऑफिस को सुदृढ़ करने में और पोस्ट ऑफिस को फेमस बनाने में जो मतलब हाथ है वो है शेरशाह सूरी का। और उससे पहले क्या होता था, नापने के लिए तोलने के लिए, वेट एंड मेजरमेंट के लिए जो है, नापने के लिए तोलने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने क्या कर दिया, नापने के लिए तोलने के लिए एक स्टैंडर्डाइज चीज कर दी कि हर जगह जो है एक ही चीज इस्तेमाल होगा, 1 kg मतलब 1 kg, 2 kg मतलब 2 kg, अलग अलग नहीं होगा। मतलब एक तरफ से स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजरमेंट ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद उन्होंने कई सारे जगह पे कैप्चर किया था, लाइक कलिंजर, चितौर, देन रथम्बोर, मारवार, मलवा, बहुत सारे जगह पे कैप्चर किया था। इन द ईयर 1542 में उन्होंने 3 जगह पे कैप्चर किया था, मालवा दैट इज इन राजस्थान, रथम्बोर दैट इज इन राजस्थान, मारवार दैट इज इन राजस्थान, और 1544 में चितौर, ये तो पता ही होगा राजस्थान में, और 1545 में कलिंजर, ये सब एरिया पे जो एमपी में है उसको कैप्चर किए थे। कौन है? शेरशाह सूरी। क्लियर है? उसके बाद जैसे कि आज के डेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम क्या है, टू गिव जस्टिस टू द पीपल, लोगों को न्याय देना। उस टाइम पे उन्होंने एक जुडिशियल डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम है मुकदमा। एक जुडिशियल डिपार्टमेंट जो न्याय करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम है मुकदमा, और उसका काम था कि टू गिव जस्टिस टू द पीपल, और उस मामले में भी ये अच्छे थे कि लोगों को न्याय देते थे, प्रॉपर न्याय देते थे। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद अभी मैंने बताया था हुमायूं ने दीन पनाह, जिसको सेकंड कैपिटल भी उन्होंने बनाया था, दीन पनाह को उन्होंने अपना एक नाम दिया था, शेरगढ़ दे दिया था। दीन पनाह को उन्होंने अपना एक नाम दिया था, नेम्ड इट एज ए शेरगढ़। एंड जो हिस्टोरिकल सिटी था, हिस्टोरिकल सब हिस्ट्री में सबसे फेमस सिटी कौन सा है, पाटलिपुत्र, धनानंदा, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो आए थे, अशोका, ये सब जो रूल किए थे, पाटलिपुत्र वाज हिस्टोरिकल सिटी, जिसको आज के डेट में पाटना, पाटना इतना आज के डेट में फेमस नहीं है उस टाइम पे जितना फेमस था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? देन
उसके बाद जो है दुनिया का एक तरफ से सबसे लंबा रास्ता उन्होंने बनाया था, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज के डेट में एनएच वन प्लस एनएच टू मिला के भी मतलब उससे भी ज्यादा, मतलब एनएच वन आज के डेट में दिल्ली से अमृतसर है, उसके बाद जो है एनएच टू जो है कोलकाता टू दिल्ली, तो कोलकाता से दिल्ली से, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से भी अफगानिस्तान तक, मतलब एक तरफ से उस टाइम का सबसे लॉन्गेस्ट रूट उन्होंने बनाया था, जिसको जिसको आज के डेट में एनएच वन और एनएच टू से भी बड़ी रूट है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जीटी रोड, जिसको जो है ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? ये था, ये एक तरफ से जो है हमारे शेरशाह के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द शेरशाह। पर थोड़ा सा अभी जो मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को शेरशाह के बारे में। देखिए स्टोरी के हिसाब से बताया, देखो शेरशाह जो है एक पश्तून थे, एथनिक पश्तून, और शेख शाह टुक कंट्रोल ओवर द एम्पायर इन 1538 में, हालांकि 1540 से लेकर 45 तक उन्होंने रूल किया था, और 5 साल ही उन्होंने रूल किया था, और ही वाज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सबसे ज्यादा फेमस थे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के लिए। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में उन्होंने क्या किया था कि जमींदारी सिस्टम को उन्होंने हटा दिया था एंड नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, जिसके हिसाब से कि जितना भी प्रोडक्शन होगा 1/3 जो है टैक्स के हिसाब से दिए जाएंगे और 2/3 जो है अपने हिसाब से रखेंगे। तो कि क्या होगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के हिसाब से कि पीजेंट हैड टू गिव 1/3 एज द टैक्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टू द किंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नाप स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजरमेंट ऑल ओवर इंडिया, नापने के लिए तोलने के लिए ऑल ओवर इंडिया में एक ही चीजें जो है स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट करवाए। उसके साथ देखो उन्होंने रुपया, जो आज में रुपया है और टाका है, उसका नाम दिए थे। उन्होंने पोस्टल सिस्टम को रिओर्गनाइज किया था, पोस्टल सिस्टम को। और एक चीज मैंने बताना चाहता हूँ कि चुनार फोर्ट को उन्होंने कैप्चर किए थे, जो कि यूपी में है, और चुनार फोर्ट के जो वाइफ थे, गवर्नर जनरल के जो वाइफ थे, जिनका नाम है लैंड मलिक का, उनसे शादी किए थे। और ही कैप्चर 1542 में 3 जगह, मलवा राजस्थान, रथम्बोर राजस्थान एंड मरवा राजस्थान, 1504 में जो है चित्तौर, 1545 में जो है कलिंजर। उसके बाद देखिए मुकदमा जो जुडिशियल सिस्टम है उन्होंने बनाए थे, क्या है उसका नाम है मुकदमा है, जुडिशियल सिस्टम बनाए थे। और उन्होंने जो है हुमायूं टॉम जो क्रिएट किए थे दिन पनाहा दिल्ली में, उनको जो है उनका नाम दिए थे शेरगढ़ के हिसाब से। और उन्होंने हिस्टोरिकल सिटी पाटलिपुत्र, जो कि पटना, पाटलिपुत्र को उन्होंने रिवाइव किया था, और उन्होंने दुनिया का सबसे लंबा रास्ता बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आज के डेट में चित्तागोंज इन द फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ बंगाल से लेकर जो अफगानिस्तान तक, काबुल इन अफगानिस्तान, जो आज के डेट में एनएच वन प्लस एनएच टू भी है उससे भी बड़ा है। एनएच वन कहां से कहां तक, दिल्ली टू अमृतसर, एनएच वन दिल्ली टू अमृतसर, एनएच टू जो है कोलकाता टू दिल्ली, तो मतलब कोलकाता से फिर दिल्ली, देन अमृतसर, देन अफगानिस्तान में। ये है एनएच टू, ये है एनएच वन, तो ये ठीक है, मतलब सबसे दुनिया का इतिहास का उस टाइम पे सबसे लंबा रास्ता उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो अभी मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं, बट एक चीज मैं फिर बता देना चाहता हूं, आने वाले क्लासेस में यहां पर 9 बजे से लेकर मैं ऑलमोस्ट 11 बजे तक क्लास करूंगा हिस्ट्री का, टोटल क्लास चलेगा हिस्ट्री का, जो है टोटल क्लास चलेगा, ध्यान रखना टोटल क्लास चलेगा हिस्ट्री का यहाँ पर। एंड उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा, और प्लस में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्योमकेश मेहर प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अनएकेडमी ऐप के प्लस में है, मतलब जो ऐप में मैं जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, और कोशिश मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन किया है उसी का ही क्वेश्चन आंसर करूं, बट 1-2 दिन जो है मैं शेड्यूल कर चुका हूं, और दूसरी चीज है, बट उसके बाद जो है उसी टॉपिक में से मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, ताकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप कितना वहां पर लगा पा रहे हो, कितना पोटेंशियली आंसर दे पा रहे हो, वो मैटर करेगा, आप लोगों को भी मजा आएगा, आप बने रहना और जुड़े रहना। क्लियर है पॉइंट? तो आज भी है, अभी 5 मिनट है, ठीक है, अभी 5 मिनट है, आज भी है, तो अनएकेडमी ऐप में मैं चाहूंगा, जैसे कि अभी 150 बच्चे हैं, मैं चाहूंगा 150 के 150 बच्चे जो है वहां पर जुड़े रहें और बने रहें। ठीक है, और हमेशा
ये क्लास के बाद उस क्लास में भी जुड़िए ताकि आपका लेवल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी बना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अनअकैडमी ऐप में, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हो बताओ अनअकैडमी ऐप में, यहाँ पे कितने लोग ज्वाइन करोगे मुझे बताओ, बताओ कितने लोग ज्वाइन करोगे अनअकैडमी ऐप में, और यहाँ पर ज्वाइन करिए और फटाफट जो है अनअकैडमी ऐप में आइए और फटाफट विद इन 5 मिनट जो है अनअकैडमी ऐप में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, कैच यू एट अनअकैडमी ऐप, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्लासेस है, ठीक है, बने रहिए जुड़े रहिए। तो चेयरमैन को बंद कर दे, कौन सी बात है वो वाला, क्या वाला।